हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इस छोटे से वीडियो में कोशिश की है एक एग्जांपल से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को चेंज करने का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाए। सबसे पहली जरूरी बात मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, जिससे आपका टाइम कम से कम खर्च हो और आप अधिक से अधिक समझ सकें। राम सेड टू सीता, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। राम ने सीता से कहा था कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूं। तो बेसिक जो पहला चेंज है वो ये कि रिपोर्टिंग क्लॉज है पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट टेंस में। एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है। जब दोनों को हम दैट कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो जरूरी है कि दोनों को एक लेवल पे लाया जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपोर्टिंग क्लॉज का जो टेंस है वो डिसाइसिव है, यानी कि ये डिसाइड करेगा कि रिपोर्टेड स्पीच को किस टेंस में चेंज करना है। चूंकि ये पास्ट टेंस में है, इसलिए इसे भी हम प्रेजेंट से पास्ट में बदलेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया ना। दूसरा कॉन्सेप्ट है, राम ने सीता से कहा, उस टाइम हमने नाउन का यूज किया, लेकिन जब वो बात कर रहे थे तो आई और यू यानी कि दो प्रोनाउन का यूज किया। राम ने आई अपने लिए और यू सीता के लिए यूज किया। लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये कॉन्वर्सेशन किसी थर्ड पर्सन के द्वारा हो जाएगा, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, तो वो इसे ही और शी में चेंज करेगा। आइए देखते हैं। सेट पहला चेंज सेट टू को टोल्ड में किया, तो राम टोल्ड सीता। फिर कंजंक्शन दैट का यूज किया, दैट आई यानी कि मैं, तो मैं है राम। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आई की जगह आ जाएगा ही। दूसरा चेंज सेड पास्ट की वजह से इज आर एम को चेंज करेंगे वाज वर्ब में, ठीक है, तो ही के साथ लगेगा वाज। दूसरा योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र, तो तुम्हारा कौन है? सीता का, तो सीता के लिए हर हर बेस्ट फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो सुपर थैंक्स करें। बाय।